नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह इन दिनों खूब विवादों में हैं। महिला पहलवानों से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न के मामले में हर दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको टिकट देने या ना देने का सवाल भी लोगों के मन में है। ऐसा ही एक सवाल एक पत्रकार ने ब्रजभूषण सिंह से ही पूछ लिया तो वे इतनी बुरी तरह भड़क गए। जरा आप भी सुनिए। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी, काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं उसमें। काटोगे? उन्होंने पत्रकार से ही पूछ लिया कि कौन मेरा टिकट काट रहा है, नाम बताओ, कटवा सकते हो तो कटवा लेना। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने महिला पहलवानों से कई बार बदसलूकी की और उन्हें गलत ढंग से छुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 2024 में फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। अपने लोकसभा टिकट के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, कौन कटवा रहा है मेरा टिकट, नाम बताइए, कटवा सकते हैं तो कटवा लेना। क्या आप मेरा टिकट कटवा रहे हो? बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से लगातार 3 बार सांसद बने रहे हैं। WFI के चेयरमैन रहे ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद पर रहते हुए कई महिला पहलवानों और कोच के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़खानी की है। इन्हीं आरोपों के तहत उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है और जांच हो रही है। जांच में दिल्ली पुलिस ने भी कई आरोपों की पुष्टि की है और कहा है कि जब ब्रजभूषण सिंह का मन होता है वह तब महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी करते थे। इसी मामले को लेकर विपक्षी कांग्रेस पार्टी लगातार BJP पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद BJP ब्रजभूषण सिंह को बचा रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ब्रजभूषण को जब भी मौका मिलता था वह महिला पहलवानों का शोषण करने की कोशिश करते थे। दिल्ली पुलिस ने यह दलील अदालत में देते हुए कहा है कि जो सबूत दिए गए हैं वह आरोप तय करने के लिए काफी हैं। इतना होने के बाद भी महिला सम्मान का दिखावा करने वाली मोदी सरकार यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण के साथ खड़ी है। सवाल आज भी यही है कि PM मोदी ब्रजभूषण को क्यों बचा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।